वैज्ञानिकों के अनुसार 14 अरब साल पहले हमारे इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ। 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हमारा ये ब्रह्मांड लगभग 14 अरब साल पहले एक महाविस्फोट से जन्मा। वो विस्फोट एक सिंगुलरिटी पॉइंट में हुआ। जब महाविस्फोट से ब्रह्मांड जन्मा, तभी उस बिग बैंग धमाके के साथ जन्म हुआ समय का। आज इस घटना को लगभग 14 अरब साल बीत चुके हैं। आज हम जानते हैं कि ब्रह्मांड कितना असीम है, लेकिन ब्रह्मांड के बारे में कुछ सवाल ऐसे हैं जो आज भी हमारे लिए अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। जैसे अगर बिग बैंग से ब्रह्मांड जन्मा तो बिग बैंग कहाँ से आया, आखिर बिग बैंग से पहले क्या था। हम ब्रह्मांड के बारे में दिमाग को घुमा देने वाली थ्योरीज को जानेंगे। ब्रह्मांड क्या है, ये कैसे काम करता है, ब्रह्मांड कहाँ से आया, ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम सदियों से खोज रहे हैं, लेकिन आज भी हम ब्रह्मांड को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। ब्रह्मांड के बारे में हमारा ये ज्ञान बहुत ही सीमित है। समय समय पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के बारे में अलग अलग थ्योरीज देते रहते हैं, जिनमें कुछ थ्योरीज तो वैज्ञानिक तौर पर सही लगती हैं, तो कुछ लॉजिकली सही लगती हैं। लेकिन कौन सी थ्योरी ब्रह्मांड के बारे में सही एक्सप्लेनेशन देती है, ये कोई नहीं जानता। तो चलिए जानते हैं ब्रह्मांड के बारे में दिमाग को हिला देने वाली उन थ्योरीज को। वी आर लिविंग इनसाइड ए ब्लैक होल। ब्रह्मांड के जन्म के बारे में जो थ्योरी प्रचलित है वो है बिग बैंग थ्योरी। ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड इनफाइनाइटली हॉट और डेंस पॉइंट से जन्मा है। उस हॉट और डेंस पॉइंट को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी का मतलब है नथिंग, यानी कुछ नहीं, यानी एक ऐसा पॉइंट जिसका वॉल्यूम जीरो हो। प्रैक्टिकली ऐसी किसी भी चीज का अस्तित्व में होना असंभव है जिसका वॉल्यूम जीरो हो और उसमें मैटर को भरा जा सके। लॉजिकली हम सिंगुलरिटी को एक हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक पॉइंट बोल सकते हैं। जैसा कि हमने जाना कि सिंगुलरिटी का मतलब है नथिंग, इसीलिए बोला जाता है कि ब्रह्मांड का जन्म नथिंग से हुआ। लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि नथिंग से समथिंग बने। लॉजिकली सिंगुलरिटी पॉइंट में मैटर जिससे ये ब्रह्मांड बना है, इसको उस पॉइंट में भर पाना असंभव है, क्योंकि सिंगुलरिटी पॉइंट का वॉल्यूम जीरो होता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर किसी बोतल में 1 लीटर पानी भरे जाने की क्षमता है, तो उसमें 2 लीटर पानी नहीं भरा जा सकता। उसी तरह सिंगुलरिटी पॉइंट की मैटर को भरे जाने की क्षमता तो जीरो होती है, तो उसमें तो किसी भी प्रकार का मैटर भरा ही नहीं जा सकता। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में हम जो भी मैटर देखते हैं वो बिग बैंग से पहले अनंत डेंसिटी के साथ एक सिंगुलरिटी पॉइंट में भरा था। लॉजिकली ये बात हजम नहीं होती। नथिंग टू समथिंग यानी कुछ नहीं से कुछ भी नहीं आ सकता। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि ब्रह्मांड का जन्म कुछ नहीं से ही हुआ है, क्योंकि बिग बैंग धमाके के सबूत आज भी देखे जा सकते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और ब्रह्मांड का फैलाव इसका सबूत है। अगर ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने का कारण बिग बैंग ही है, तो बिग बैंग से पहले क्या था, आखिर उस सिंगुलरिटी पॉइंट में इतना सारा मैटर कहां से आया। वेल, बिग बैंग से पहले क्या हो सकता था, वैज्ञानिक इस बारे में एक थ्योरी देते हैं। हो सकता है कि बिग बैंग से पहले एक ब्लैक होल हो। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लैक होल यूनिवर्स में सबसे शक्तिशाली ऑब्जेक्ट होता है। इसकी ग्रेविटी इतनी तीव्र होती है कि ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली चीज यानी प्रकाश भी अगर ब्लैक होल की चपेट में आ जाए तो वो भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। ब्लैक होल की एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री होती है जिसे ब्लैक होल का इवेंट होराइजन भी बोला जाता है, जिसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी बोलते हैं। मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक तो ब्लैक होल की यात्रा की जा सकती है, लेकिन ब्लैक होल के इवेंट होराइजन यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को जैसे ही पार किया जाए तो वहां से वापस लौटना असंभव हो जाता है, अब चाहे वो प्रकाश ही क्यों ना हो। ब्लैक होल की तीव्र ग्रेविटी की वजह से उसके आसपास समय भी धीमा हो जाता है और स्पेस भी बैंड हो जाता है। ब्लैक होल के अंदर मैटर बहुत ही डेंस होता है। हम जैसे जैसे ब्लैक होल के सेंटर की ओर बढ़ते जाएंगे तो हम पाएंगे कि उसमें मैटर की डेंसिटी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। ब्लैक होल के केंद्र में मैटर सिंगुलरिटी लेवल पर पहुंच जाता है। जैसा कि आप सिंगुलरिटी लेवल के बारे में जान चुके हो, सिंगुलरिटी लेवल पर समय भी ठहर जाता है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 14 अरब साल पहले संपूर्ण ब्रह्मांड एक इन्फाइनाइट डेंसिटी वाली सिंगुलरिटी डॉट के एक्सप्लोजन से अस्तित्व में आया। लेकिन बिग बैंग थ्योरी से हमें ब्रह्मांड के अस्तित्व के बारे में सभी सवालों के जवाब नहीं मिल पाते, जैसे कि वो इन्फाइनाइट डेंसिटी वाला सिंगुलरिटी डॉट कहाँ से आया।
लेकिन ए जायंट ब्लैक होल थ्योरी कुछ हद तक बिग बैंग थ्योरी पर उठने वाले सवालों के जवाब देती है। ए जायंट ब्लैक होल थ्योरी के अनुसार बिग बैंग से पहले भी कुछ था, और वो था एक और ब्रह्मांड जो कि एक बड़े ब्लैक होल में समा गया और सिंगुलरिटी लेवल तक क्रश होते गया, और उस सिंगुलरिटी डॉट को वैज्ञानिकों ने नाम दिया द सीड ऑफ ए न्यू यूनिवर्स। इस सीड में एक्सप्लोजन हुआ और एक नया यूनिवर्स बना। इस थ्योरी के अनुसार हमारा ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक जाइंट ब्लैक होल के अंदर हो सकता है, और वो जाइंट ब्लैक होल किसी दूसरी डायमेंशन में हो सकता है। वैसे इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कोई भी ठोस सबूत नहीं है। ये थ्योरी महज ये एक्सप्लेन करती है कि बिग बैंग से पहले वो सिंगुलरिटी डॉट कहाँ से आया होगा, ब्रह्मांड के जन्म से पहले क्या था, और कैसे नथिंग से हमारा ब्रह्मांड जन्मा। ये थ्योरी इन सवालों के जवाब बखूबी देती है, लेकिन कोई भी साक्ष्य न होने की वजह से ये थ्योरी अपने आप को पूर्णतः सिद्ध नहीं कर पाती। अगर ए जायंट ब्लैक होल थ्योरी सच है तो यूनिवर्स में मौजूद हर एक ब्लैक होल के दूसरी साइड किसी डायमेंशन में एक नया यूनिवर्स हो सकता है। वैसे भी वैज्ञानिक पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। मिरर यूनिवर्स थ्योरी कुछ हद तक ए जायंट ब्लैक होल थ्योरी की ही तरह लगती है, लेकिन ये एक मजेदार थ्योरी है। कॉस्मोलॉजी में अभी तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि ब्रह्मांड में ज्यादातर मैटर क्यों है। बिग बैंग के दौरान ब्रह्मांड में मैटर और एंटी मैटर बराबर मात्रा में बने थे, तो कहाँ है सारा एंटी मैटर। अब आप कहोगे कि भाई बीच में ये एंटी मैटर कहाँ से आ गया, तो मेरा यकीन मानिए कि बिना एंटी मैटर के मैटर संभव ही नहीं। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ही बदला जा सकता है। हम सभी अपने चारों ओर ब्रह्मांड में जहाँ तक नजर फैलाते हैं तो हमें तारे, ग्रह, उपग्रह और गैलेक्सी इत्यादि दिखाई देते हैं। ये सभी आकाशीय पिंड मैटर यानी पदार्थ से बने हुए हैं, और मैटर ऊर्जा का ही एक दूसरा रूप है। मतलब हम जो भी देखते हैं या अनुभव करते हैं वो सब ऊर्जा है। अगर हम ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात करें तो इस नियम के अनुसार तो ऊर्जा को कभी पैदा ही नहीं किया जा सकता, तो फिर ब्रह्मांड में इतनी ऊर्जा या मैटर कहाँ से आया। अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड के जन्म के बारे में बिग बैंग थ्योरी ही काफी प्रचलित है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म नथिंग यानी जीरो से हुआ है। जीरो का मतलब ब्रह्मांड के जन्म से पहले ऊर्जा का कोई भी अस्तित्व नहीं था, तो फिर ब्रह्मांड में हम जो भी एनर्जी देखते हैं वो कैसे बन गई। इस सवाल के जवाब के लिए एक तर्क दिया जाता है। वो तर्क ये है कि जब बिग बैंग धमाके से ब्रह्मांड का जन्म हुआ होगा, उस समय नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों का ही निर्माण एक साथ हुआ होगा। मतलब इस ब्रह्मांड में जितना मैटर है उतनी ही मात्रा में एंटी मैटर भी बना होगा। जब मैटर और एंटी मैटर यानी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी ये दोनों मिलेंगी तो रिजल्ट जीरो आएगा। जैसे +2 और -2 को जोड़ने पर रिजल्ट जीरो आता है। मूल रूप में एंटी मैटर हमारे आसपास कहीं भी नहीं पाया जाता। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि लॉजिकली प्रकृति में एंटी मैटर का अस्तित्व होना चाहिए, तो वो सारा एंटी मैटर कहाँ है। ये बात अभी तक एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि विज्ञान ये तो बताता है कि एंटी मैटर का अस्तित्व होता है, लेकिन विज्ञान अभी तक ये नहीं बता पाया है कि प्रकृति में मौजूद सारा एंटी मैटर कहाँ है। लेकिन मिरर यूनिवर्स थ्योरी इस सवाल का काफी हद तक जवाब देती है। जैसे हमारा ये ब्रह्मांड मैटर से बना है, उसी प्रकार किसी दूसरी डायमेंशन में एंटी मैटर से ब्रह्मांड भी मौजूद होगा। हो सकता है कि जब बिग बैंग धमाका हुआ था उस समय दो पैरेलल यूनिवर्स बने हों, जिनमें एक यूनिवर्स में मैटर है तो दूसरे यूनिवर्स में एंटी मैटर होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि एंटी मैटर की प्रॉपर्टीज मैटर की प्रॉपर्टीज की अपोजिट होती हैं। इस वजह से एंटी मैटर से बना हुआ यूनिवर्स हमारे ब्रह्मांड का मिरर इमेज होगा। उस यूनिवर्स में भी तारे, ग्रह और गैलेक्सीज होंगी जो एंटी मैटर से बनी होंगी। लेकिन क्या मिरर यूनिवर्स का अस्तित्व होगा, इसका कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं है। लेकिन लॉजिकली ये थ्योरी सही लगती है कि ब्रह्मांड में मैटर है तो एंटी मैटर भी जरूर होना चाहिए। जब बराबर मात्रा में मैटर और एंटी मैटर बने होंगे तभी नथिंग से समथिंग और समथिंग से नथिंग बन सकता है। यूनिवर्स इज अलाइव।
ये एक मजेदार थ्योरी है कि क्या ब्रह्मांड जिंदा है। शायद ये सुनने में आपको भले ही अजीब लगे, लेकिन बहुत से लोग इस थ्योरी पर विश्वास भी करते हैं कि क्या हमारा ये ब्रह्मांड किसी जीवित प्राणी का सेल मात्र है। क्या हमारा ब्रह्मांड हमारी बॉडी में मौजूद सेल्स की तरह एक जीवित सेल है। हमने स्कूल में पढ़ा था कि सेल बहुत से मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और मॉलिक्यूल बहुत से एटम से मिलकर बना होता है और एटम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। अगर यही सब ब्रह्मांड के संदर्भ में देखें तो प्लैनेट्स इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य को अगर न्यूक्लियस की तरह देखा जाए तो सोलर सिस्टम एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। अब थोड़ा और गहराई में देखा जाए तो गैलेक्सी, जिसमें करोड़ों सोलर सिस्टम मौजूद हैं, एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करती है और हमारा ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक सेल को रिप्रेजेंट करता है जिसमें अरबों गैलेक्सियां मौजूद हैं। और अगर इसको एक व्यापक रूप में देखा जाए तो जिस तरह से हमारा शरीर अरबों सेल से मिलकर बना है, उसी तरह से कोई बहुत बड़ा प्राणी अरबों ब्रह्मांडों से मिलकर बना हो सकता है। जिस तरह से हमारे शरीर में नए सेल्स बनते हैं और कुछ समय बाद फिर मर जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड का जन्म होता है और अंत भी हो जाता है। नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने यूनिवर्स में मौजूद स्टार सिस्टम को रिवील किया, जिसमें पता चलता है कि गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स दो आपस में गुथी हुई चैन के रूप में हैं, जैसे डीएनए मॉलिक्यूल में डबल हेलिक्स जिनके बीच की दूरी 80 प्रकाश वर्ष है। नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक यूनिवर्स एक विशाल दिमाग की तरह ग्रो कर रहा है। दिए गए तथ्य यही बताते हैं कि यूनिवर्स एक लिविंग थिंग हो सकता है, लेकिन इस डेटा से ये प्रूव नहीं होता कि ब्रह्मांड वास्तव में एक लिविंग थिंग है। यह तो केवल एक अनुमानित थ्योरी है जो कि वर्तमान में मौजूद साइंटिफिक डेटा पर बेस्ड है। क्या यूनिवर्स एक लिविंग थिंग है या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये थ्योरी ब्रह्मांड के अस्तित्व के बारे में नए रास्ते खोलती है। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड के बाहर अनंत ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। गीता में कृष्णा ने अर्जुन से कहा था कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ, ब्रह्मांड में सब कुछ मेरा ही अंश है, सब मुझसे ही पैदा होते हैं और मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। अगर हम पृथ्वी पर मौजूद जिंदा जीवों की बात करें तो ऐसी क्या चीज है जिससे हम और आप जिंदा हैं? वो क्या चीज है जो हमें किसी निर्जीव पत्थर या रोबोट से अलग करती है? क्या वो हमारे दिल की धड़कन है? क्या वो हमारे दिमाग में चलने वाले विचार हैं? या फिर हमारे जीवन की ये सच्चाई कि हम पैदा होते हैं, पलते बढ़ते हैं और फिर मर जाते हैं? हमारे ग्रंथ बताते हैं कि अगर हम मेडिटेशन के द्वारा अपने अंदर झांकने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि हमारे अंदर ही सूक्ष्म रूप में असीम ब्रह्मांड मौजूद है। क्या हमारा ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक बहुत बड़े जीव का केवल अंश मात्र है? ये हम नहीं जानते, लेकिन अगर इस थ्योरी में थोड़ी भी सच्चाई हुई तो ब्रह्मांड के संदर्भ में हमारा क्या अस्तित्व है? वी आर लिविंग इन ए कंप्यूटर सिमुलेशन। ब्रह्मांड के बारे में हमने अभी तक अलग अलग थ्योरीज को जाना जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, लेकिन ब्रह्मांड के बारे में कंप्यूटर सिमुलेशन थ्योरी आपके दिमाग को सच में हिला देगी। इस दुनिया में सच क्या है? हम रियलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्या हम जो सूंघते हैं वो रियल है? क्या हमें खाने में जो स्वाद आता है वो रियल है? क्या हमें जो दिखाई देता है वो रियल है? क्या हमें जो सुनाई देता है वो रियल है? इस दुनिया का सबसे बड़ा सच तो केवल यही है कि हमें जो रियल लगता है वो कुछ और नहीं बल्कि महज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जिनको हमारा दिमाग जनरेट करता है। यानी हम जो कुछ भी रियलिटी महसूस करते हैं वो सब भ्रम है। कहने का मतलब, हम अपने दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में हेर फेर करके एक नई तरह की रियलिटी को महसूस कर सकते हैं। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के लिए रियलिटी एक जैसी नहीं होती। हर एक व्यक्ति को उसका दिमाग अपने हिसाब से रियलिटी दिखाता है। जैसे कि जो लोग हेल्यूसिनेशंस देखते हैं तो उनके लिए वही सच होता है जो उन्हें दिखाई देता है और महसूस होता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जिन्हें हेल्यूसिनेशंस दिखाई देते हैं उनकी वास्तविकता रियल नहीं होती, बल्कि वो एक काल्पनिक दुनिया का अनुभव करते हैं और उस काल्पनिक दुनिया का अनुभव उन्हें उनका दिमाग कराता है। तो क्या हम जो रियलिटी देखते हैं वो भी काल्पनिक होती है? मे बी ये हो सकता है कि ये दुनिया एक माया जाल हो और हमारा दिमाग हमें इस माया जाल का अनुभव कराता हो।
विज्ञान में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसने वैज्ञानिकों को हिला दिया था, जिसका नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर आप दो लंबे आकार के छेदों से रेत के दानों को शूट करें तो वो स्लिट के पीछे स्लिट के आकार की ही दो सीधी लकीरों जैसा पैटर्न बनाएंगे। इस पैटर्न को बोला जाता है पार्टिकुलर पैटर्न, क्योंकि ये सॉलिड पार्टिकल से बनता है। लेकिन अगर हम पानी की वेव्स को उन्हीं दो स्लिट से होकर बहाएं तो उन वेव से बनने वाला पैटर्न कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जिसे इंटरफेरेंस पैटर्न बोला जाता है। ये इंटरफेरेंस पैटर्न स्लिट से निकलने वाली दो वेव्स के आपस में टकराने से बना है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को अगर क्वांटम लेवल पर किया जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर एक इलेक्ट्रॉन को इसी स्लिट से निकाला जाए? अगर एक स्लिट से होकर इलेक्ट्रॉन्स को फायर किया जाए तो एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पार्टिकल की ही तरह पेश आता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स को दो स्लिट से होकर फायर किया जाए तो नज़ारा बिल्कुल ही बदल जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के दो स्लिट से गुजरने के बाद इस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आता है। ये बिल्कुल अजीब है। आखिर इलेक्ट्रॉन्स वेव्स की तरह पैटर्न कैसे बना सकते हैं? वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए एक यंत्र के द्वारा उन पर नजर रखने की सोची, ये देखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स आखिर किस तरह का व्यवहार करते हैं। लेकिन इस बार नतीजा कुछ अलग ही निकला। जब उन इलेक्ट्रॉन्स पर नजर रखी जा रही थी तब उन्होंने पार्टिकल्स की तरह पार्टिकुलर पैटर्न बनाया। कई बार इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया और हमेशा रिजल्ट ऐसा ही आता। ऐसा लगता जैसे इलेक्ट्रॉन्स को पता चल जाता हो कि उन्हें कोई देख रहा है कि नहीं। इस एक्सपेरिमेंट ने ये साबित किया कि जब तक हम एक इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं तब तक वो एक निश्चित आकार में रहेगा, और अगर हम उसे नहीं देख रहे तब तक वो एक संभावना बनकर ही रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ये संपूर्ण ब्रह्मांड छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो क्या जब हम इस ब्रह्मांड को देखते हैं तभी हमें इसकी वास्तविकता दिखाई देती है? हमारे ना देखने पर इसके अस्तित्व में होने की केवल संभावना ही बनी रहती है। जब हम सपना देखते हैं तब हम एक काल्पनिक दुनिया को अनुभव करते हैं और सपने में हमें हकीकत जैसा लगता है। लेकिन जब हमारी नींद खुलती है तब हमें पता चलता है कि हम तो एक सपना देख रहे थे। जब भी हम अपने सपने में जो भी अनुभव करते हैं वो हमें एक वास्तविक घटना लगती है। लेकिन क्या वो वास्तविक घटना थी या काल्पनिक दुनिया का महज एक अनुभव? अगर हम सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर रियल लाइफ को देखें तो क्या हमें जो अपनी आंखों से दिखाई देता है वो वास्तविक है या फिर ये सब एक भ्रम यानी मायाजाल है? जैसा कि हम सपना देखते हैं तो वो हमें हकीकत लगता है, लेकिन जैसे ही हमारा सपना टूटता है तो हमारी हकीकत कल्पना में बदल जाती है। तो क्या हम जिस रियलिटी को जी रहे हैं वो भी तो सपनों की ही तरह महज कल्पना मात्र हो सकती है? अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये दुनिया एक मायाजाल हो सकती है? तो इसका जवाब है कि हमारी दुनिया के कुछ नियम पहले से ही निश्चित हैं और हम चाहकर भी उन्हें बदल नहीं सकते। जैसे कि इस ब्रह्मांड में ट्रेवल करने की गति फिक्स्ड है, यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से तेज कुछ भी नहीं चल सकता, और यहाँ तक कि प्रकाश की स्पीड भी निश्चित है। स्वयं प्रकाश भी 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तेज नहीं चल सकता। आखिर किसने निश्चित की प्रकाश की स्पीड लिमिट? ग्रेविटी, जो चीजों को हमेशा अपनी ओर ही खींचती है। ग्रेविटी कभी भी चीजों को अपने से दूर नहीं धकेलती। ऐसे ही कुछ नियम हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि किसी ने इस सब को पहले से ही निश्चित कर रखा है और हमें हमेशा सिर्फ इन नियमों का ही पालन करना है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले इलोन मस्क का मानना है कि हमारी दुनिया एक कंप्यूटर प्रोग्राम के गेम की तरह हो सकती है जिसको किसी हाईली एडवांस्ड सभ्यता ने डिजाइन किया होगा। उन्होंने तर्क दिया कि अभी से 30 से 40 साल पहले गेम्स को केवल दो रेक्टेंगल्स और एक डॉट के सहारे खेला जाता था, लेकिन आजकल के गेम्स 3D सिमुलेशन में खेले जाते हैं जिनको लाखों लोग एक साथ खेल सकते हैं। अगर हम आज की बात करें तो हमारे पास वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी है जो हमें एहसास दिलाती है कि जो हम देख रहे हैं वो हमारे संसार का ही हिस्सा है। आज हमारे वीडियो गेम्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि लगता है कि वो खुद में एक नई दुनिया है, और आने वाले समय में हमारी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ काफी तेज होने वाली है। आने वाले 1-2 हजार सालों में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी कि उस दौर में सच या झूठ में अंतर कर पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। आने वाले समय में हम ऐसे गेम्स डेवलप कर चुके होंगे जो रियल लाइफ की तरह लगेंगे।
गेम के अंदर मौजूद करेक्टर एक रियल लाइफ की तरह अपनी जिंदगी को जिएगा। उस समय हमारी टेक्नोलॉजी इस काबिल हो जाएगी कि हम खुद के वर्चुअल ब्रह्मांड बना सकें। तो क्या हो कि हम जिस रियल दुनिया को अनुभव कर रहे हैं वो हमें बनाने वाले के लिए वर्चुअल हो? इलोन मस्क का तो मानना है कि इस बात की संभावना करोड़ों में एक हो सकती है कि ये दुनिया असली हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि ये दुनिया एक माया जाल है और सबकी आंखों पर माया की पट्टी बंधी हुई है, और जो इस माया जाल के रहस्य को समझ लेता है वो इस माया जाल से मुक्त हो जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये दुनिया एक माया जाल है तो इस माया जाल का रचयिता कौन है? अगर आपने हॉलीवुड की मूवी द मैट्रिक्स को देखा है तो आप इस कॉन्सेप्ट को बखूबी समझ पाए होंगे। दोस्तों, आपको इनमें से यूनिवर्स के बारे में कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।